बिहार के दरभंगा में पुलिस के एक संसार कर देने वाली घटना सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि थाने में एक चोरी के अपराध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में पीटे जाने के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद उसकी पत्नी जब थाने पर जाकर उससे मिलने की कोशिश करने लगी, पुलिस वालों ने उसे मिलने नहीं दिया और मिलने के बदले उससे 1500 रुपए की रकम मांगी गई। घूस के तौर पर पीड़ित की पत्नी ने पैसे उसे दिए, उसके बाद उससे उसकी मुलाकात हुई। सूत्रों की माने तो अपराधी ने ये अपनी पत्नी से कहा था कि मुझे जल्दी से अस्पताल में भर्ती कराया जाए, नहीं तो मेरी मौत हो जाएगी, मुझे पुलिस के द्वारा बेरहमी से पीटा गया है। लेकिन इसके बाद भी न पुलिस ने कुछ सुना, न ही उसके परिवार वालों ने। परिवार वालों का यह आरोप है कि लगातार दबाव बनाने के बाद, लगातार कहने के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं सुना और उल्टा इन पर ही कहा कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम पर उल्टा केस लगाकर जेल में भेज दिया जाएगा। बिहार में भले ही एनडीए हमेशा ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर पिछले दिनों के कुछ ज्ञापनों को देखें जो अखबारों में, जो बिहार के हर बड़े अखबार में छपे हैं, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उस अखबारों में लोजपा ने ये लगातार विज्ञापन दिया है और बताया है युवा बिहार के साथ चले, लोजपा के साथ चले। उस विज्ञापन में जो चिराग पासवान और लोजपा लगातार बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करके एक कैंपेन चला रही थी, विज्ञापन में जोड़ दिया गया है। वहीं एनडीए में लोजपा और जदयू के बीच ये तानातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं अगर देखा जाए तो लोजपा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तारीफ कर रही है, वहीं जदयू से तानातनी बढ़ रही है। वहीं लोजपा के प्रवक्ता ने कहा कि अगली मीटिंग जो होनी है वो इस बात पर होनी है कि जहां जदयू अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी, वहां लोजपा अपने भी प्रत्याशी उतारेगी। इस बात के बाद पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन में सरगर्मी बढ़ गई है। आज बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने यह कहा है कि तय समय से होंगे बिहार चुनाव। पहले ही चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करके ये तय कर दिया था कि बिहार चुनाव तय समय से होंगे। अब जिस तरीके से बिहार चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने नए नए तरीके के जो अपने प्रावधान बताए हैं, देखना होगा कि बिहार के नेता और बिहार के राजनीतिक दल इसमें कैसे अपने कैंपेन और कैसे अपने चुनावी प्रचार करेंगे। बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। मुजफ्फरपुर में एक आपराधिक घटना ऐसे ही सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने एक व्यवसायी का बंदूक के दम पे उसके घर के दरवाजे खुलवाए और उसके 15 वर्षीय पुत्री को अगवा करके लेकर चले गए। अब इस घटना से समझा जा सकता है बिहार में अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को प्रेम प्रसंग का बताया है। इससे नाराज होकर गांव वालों ने पूरे प्रशासन पर रोड़ेबाजी की और सड़क को जाम कर दिया है। बिहार के समस्तीपुर में बिहार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां शशि राय को बिहार पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी में भारी मात्रा में असलाह व बारूद भी मिले हैं, जिसमें कार्बाइन, कई गोलियां, कारतूस और पिस्तौल भी मिले हैं। इसके साथ साथ ही बताया जा रहा है कि बिहार के कई घटनाक्रम और कई बड़े घटनाओं में शशि राय की संलिप्तता थी। इस घटना में उसके पकड़े जाने से बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार वासियों ने भी चैन की सांस ली है। आप अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर महाखबर के पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों से रहे रूबरू। धन्यवाद।